सागर के रामायण के पुनः प्रसारण ने एक बार फिर से इसके किरदारों को लाइमलाइट में ला दिया है। लोग इस शो के किरदारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं। इस शो में राम का किरदार अभिनेता अरुण गोविल ने निभाया था, तो वहीं माता सीता के किरदार में अभिनेत्री दीपिका चीखलिया और लक्ष्मण के किरदार में सुनील रहरी नजर आए थे। वहीं उनके बच्चों यानी लव और कुश का किरदार दो मराठी बाल कलाकारों ने निभाया था। आपको बता दें कि इसमें कुश का रोल सुप्रिल जोशी ने निभाया था। और आज हम इस वीडियो में इसी अभिनेता की बात करेंगे कि वो अब कहाँ हैं और क्या करती हैं, और साथ ही आपको इनकी पत्नी से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सब बातें जानने के लिए देखें ये पूरा वीडियो। आपको बता दें, उत्तर रामायण के जरिए सुप्रिल ने टीवी की दुनिया में कदम रखा था। सुप्रिल बचपन में नाटक में भाग लेते थे, वहीं उन्हें एक बार एक्टर बिलास राज ने देखा। बिलास राज सुप्रिल के घर आए, उनके पिता से बात की और उनके फोटो लेकर चले गए। उसके बाद उन्हें कुश के रोल के लिए चुना गया। हालांकि दोस्तों, इसके लिए भी उन्हें हजारों चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ ऑडिशन देना पड़ा था। बता दें, सुप्रिल ने छोटे पर्दे पर उस समय कदम रखा था जब वे मात्र 9 साल के थे। 1986 में राम आनंद सागर के सीरियल अब कुश में कुश के बचपन का किरदार सुप्रिल ने निभाया था। इसके बाद राम आनंद सागर के शो श्री कृष्णा 1993 में उन्हें लीड रोल मिला और वे रातों रात सुपरस्टार बन गए। आपको बता दें, सुप्रिल अभिनेता के अलावा एक वकील भी हैं। दरअसल ये कृष्णा के सीरियल के बाद लंबे समय तक पर्दे से दूर रहे। इसी बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर के बारे में, तो आपको बता दें, सुप्रिल जोशी ने 2005 में डेंटिस्ट अपर्णा जोशी से शादी की थी, लेकिन उनका रिश्ता 4 साल ही चल सका और साल 2009 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। दिलचस्प बात यह है कि उनकी दूसरी पत्नी भी पेशे से डेंटिस्ट ही है। दोस्तों, अगर आप सुप्रिल जोशी के फैन हैं, तो उनके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।